हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक रहोगे, हैप्पी रहोगे। दोस्तों आज हम लोग एक एक्वेरियम फिश है हमारे प्लांटेड एक्वेरियम में है वो रिलीज़ करने वाले हैं। बहुत दिनों से मैं खुद हमारा ये जो एक्वेरियम है वो अच्छे से सेट होने की राह देख रहा था और अभी हमारा एक्वेरियम वो अच्छे से सेट हुआ है। तो आज मैं एक एलिगेटर इसमें रिलीज़ करने वाला हूँ। हालांकि ये बेटा फिश के लिए मैंने टैंक है वो बनाया है, बट मैं अभी इस टैग में फर्स्ट है वो एलिगेटर है वो रिलीज़ करने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे जो एक्वास्केपर रहते हैं वो कभी भी एक्वेरियम प्लांटेड एक्वेरियम सेट करते हैं तो पहले एक्वेरियम में एलिगेटर्स को रिलीज़ करते हैं। एलगी जो उसको कंट्रोल किया जाता है ऑटोमेटिकली एलिगेटर के थ्रू, और उसके बाद है वो हम लोग मेन जो फिश रहते हैं उसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जाना ही अच्छा रहता है किसी भी आप कौन सा भी आप काम कर रहे हो तभी। तो इसके लिए मैं आज फर्स्ट जो एलिगेटर है वो इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ हमारे बेटा फिश के एक्वेरियम में। तो अभी एलिगेटर कौन सा है आपको अभी क्वेश्चन आया रहेगा माइंड में, बहुत सारी चीज़ें रहेगी क्योंकि बहुत सारे एलिगेटर्स है आपके प्लांटेड एक्वेरियम में आप रिलीज़ कर सकते हो। तो मैं जो एक्वेरियम फिश जो लेके आया हूँ, जो एलिगेटर लेके आया हूँ वो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। आपने सुना रहेगा, उसका नाम सुना रहेगा और हो सके तो आपके एक्वेरियम में भी रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे वो एक्वेरियम फिश है। तो इस बैग में जो एक्वेरियम फिश है वो है हिल स्ट्रीम लोच। हिल स्ट्रीम लोच एक काफ़ी अच्छा एलिगेटर्स है और आपके एल्गी को, मतलब आपके एक्वेरियम के एल्गी को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। तो मैंने सोचा कि हिल स्ट्रीम लोच को हमारे बेटा फिश के एक्वेरियम में रिलीज़ करते हैं। तो अभी फर्स्ट जो है, जैसे हम लोग एक्लोमाइट करते हैं वैसे इसको हम लोग एक्लोमाइट करेंगे और उसके बाद है वो टैंक में इसको रिलीज़ किया जाएगा। एक्लोमाइट कर रहा हूँ तो कुछ समय तो लगेगा ये एक्लोमाइट होने के लिए। आप सबको पता है कि फर्स्ट फिश को एक्लोमाइट करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एलिगेटर हमारा एस्ट्रीम लोच। तो इसको मैं दोस्तों ऐसे अभी मैं कम से कम 20 से 25 मिनट रखूँगा, उसके बाद है इसको इंट्रोड्यूस करूँगा हमारे इस प्लांटेड एक्वेरियम में। तो अभी 30 मिनट हो गया है और अभी हिलस्ट्रीम लोच को हम लोग रिलीज़ करते हैं इस एक्वेरियम में। हिलस्ट्रीम लोच काफ़ी एक्साइटेड है हमारे एक्वेरियम में आने के लिए, आप देख सकते हो। तो अभी इसको हम लोग एक्वेरियम में रिलीज़ करते हैं और देखते कि इसका कैसा पैटर्न है। और बेसिकली ये हिलस्ट्रीम लोच है, ये फीमेल हिलस्ट्रीम लोच है। आप इसके साइज़ के ओवरऑल जो इसका जो साइज़ है उससे आप पहचान सकते हो क्योंकि थोड़ी चौड़ाई में है तो उससे हमें पता चलता है कि ये फीमेल है कि मेल है। और भी कुछ साइंस रहते हैं, मैं एक एक करके आपको मैं बताऊँगा, एक अलग से वीडियो बनाऊँगा इनके जेंडर के साइन का। तो हम लोग अभी इसे रिलीज़ करते हैं हमारे एक्वेरियम में और उसके बाद इसकी एक्चुअल जो ब्यूटी है वो देखते हैं। तो दोस्तों अभी मैं रिलीज़ करने को जा रहा हूँ हमारे फीमेल हिलस्ट्रीम लोच को। तो फटाफट से रिलीज़ करते हैं। बेसिकली कोल्ड वाटर फिश है हिलस्ट्रीम लोच, तो उसके टेम्परेचर थोड़ा ठंडा ही लगता है। आई होप अच्छे से वर्क कर रहे हैं हमारे एक्वेरियम में। रिलीज़ किया है उसको और अभी वो प्लांट्स के पीछे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लांट्स के पीछे है। तो बस अभी सेट होगी थोड़ी, ये देखो फिल्टर के यहाँ पे आ रही है, ये देखो। तो अभी सेट होगी थोड़ी और उसके बाद है वो अच्छे से स्विम करेगी, उसका काम करेगी। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने एलिगेटर को मैंने इंट्रोड्यूस किया है, तो अभी देखते कि वो कैसे वो काम करती है। तो आई होप कि हमारा ये जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी फ्रंट ग्लास में हिलस्ट्रीम लोच ये फीमेल आई है। तो अभी अच्छे से वो सेट होते जाएगी। कुछ स्ट्रेसिल में इसमें मैं ऐड करूँगा, कुछ अमाउंट में स्ट्रेसिल 1 से 2 ml में ऐड करूँगा, जिससे है इसका जो स्ट्रेस है वो
थोड़ा कम होने के लिए मदद होगी, जैसे मैंने लास्ट के वीडियो में आपको मैंने दिखाया। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, ऐसे बने रहना प्रथमेश एक्वाटिक्स इन हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक मुझे अभी इजाज़त दे दो इस वीडियो को एंड करने की। टेक केयर एवरीवन एंड बाय।